आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 सबसे बड़ी, सबसे अच्छी और सबसे महान फिल्मों के बारे में। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। हमने हर दशक से एक फिल्म को उसकी लोकप्रियता, क्रिटिक्स की पसंद और कमाई के आधार पर चुना है। आज तक आपने जितनी भी लिस्ट देखी है, ये लिस्ट उन सब की माँ है। चलिए शुरू करते हैं। I'm just replying on Wednesday. नंबर टेन पर है ऑफ वेडनेसडे। कोई बटन दबाकर मेरे लिए ये फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है। 2008 की सस्पेंस थ्रिलर, एक आम आदमी की कहानी और नीरज पांडे की पहली फिल्म हर कसौटी पर खरी उतरती है। चाहे वो नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग हो, अनुपम खेर हो या जिमी शेरगिल, हर किसी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? फिल्म में अनुपम खेर का किरदार असल जिंदगी में मुंबई पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया से इंस्पायर्ड है। नसीरुद्दीन शाह का किरदार पहले नाना पाटेकर को ऑफर किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बहुत अच्छा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला। फिल्म को 3 बार फिर से तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड में बनाया गया। फिल्म की कहानी और शानदार डायलॉग आपको 1 मिनट के लिए भी हिलने नहीं देंगे। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है। मुंबई ऐसा शहर जिसे नींद नहीं आती। नंबर 9 पर है सत्या। ए अमिताभ बच्चन, 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म ने बिना किसी स्टार के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, साथ ही 6 फिल्मफेयर अवार्ड भी जीते। अनुराग कश्यप द्वारा लिखी इस फिल्म को दुनिया की सबसे अच्छी गैंगस्टर फिल्मों में से एक माना जाता है। इसमें मनोज वाजपेयी के रोल को काफी सराहा गया और साथ ही इसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। क्या डेंजर स्टोरी है, क्या डेंजर फिल्म है। 8 ऑस्कर जीतने वाली फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर के डायरेक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सत्या उनकी इंस्पिरेशन थी। सत्या को 90s की बेस्ट फिल्म और बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। उन घंटों के बदले आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट। नंबर 8, द लंच बॉक्स। लाइफ इज वेरी बिजी दीस डेज, देयर आर टू मेनी पीपल एंड एवरीवन वांट्स व्हाट द अदर हैज। क्या आप कभी ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जिसे आप कभी ना मिले हो? अगर हाँ तो ये फिल्म आपके लिए है। वैसे तो बहुत सी लव स्टोरीज बॉलीवुड में बनती हैं, लेकिन ये एक अनोखी कहानी है। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निमरत कौर की एक्टिंग से सजी ये फिल्म आपके दिल को छू लेगी। आंटी ये थोड़ा अजीब नहीं है ये चिट्ठी विट्ठी? 35 नॉमिनेशन और 29 अवार्ड जीतने वाली भारत की ये पहली फिल्म है। रितेश बत्रा की ये फिल्म टेक्निकली ब्रिलियंट होने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही थी। इस फिल्म को बनाने से पहले रितेश बत्रा ने मुंबई के डब्बा वालों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और निमरत कौर ने इस फिल्म के लिए 6 महीने तक रिहर्सल की थी। कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई पेट से होकर जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि ये भारत की पहली ऑस्कर जीतने वाली फिल्म साबित होगी, लेकिन ये फिल्म भी इंडियन पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ गई और इसके बजाय गुजराती फिल्म द गुड रोड को ऑस्कर के लिए भेज दिया गया। क्या हुआ? आंटी डब्बा वापस आए और खाली आए। मेरा नाम टिंटिंटू। नंबर 7, सलाम बॉम्बे। 500 रुपये जमा हो जाए मैं आ जाएगा। 1988 में आई मीरा नायर की फिल्म आपको मुंबई का असली चेहरा दिखाती है। ये इरफान खान की पहली फिल्म है, लेकिन शायद ही वो आपको दिखाई दे। बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिकली ये फिल्म दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ये भारत की एकमात्र फिल्म है जिसे ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब और ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स तीनों में नॉमिनेशन मिला। दवा के लिए पैसा चाहिए। शफीक सईद जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है, उनको इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म में दिखाए गए अधिकतर बच्चे असली झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे थे। फिल्म से पहले उनको स्पेशली ट्रेन किया गया था। सलाम बॉम्बे से पहले इस फिल्म का नाम चल बॉम्बे चल था। फिल्म के अधिकतर सीन रियल लोकेशन पर शूट किए गए हैं। ए चाय पाओ, चाय तो चाय भी कितना हो। नंबर 6, लगान। फिल्म ब्रिटिश राज के
एक सूखा पीड़ित गांव की कहानी है। जब किसान अंग्रेजों से लगान कम करने की मांग करते हैं, तब अंग्रेज प्रस्ताव देते हैं कि अगर क्रिकेट के खेल में गांव वासियों ने उनको हरा दिया तो लगान माफ कर दिया जाएगा। चुनौती स्वीकार करने के बाद गांव वालों पर क्या बीतती है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली ये तीसरी फिल्म बनी। फिल्म 4 घंटे की होने के बावजूद अपने इमोशन को बरकरार रखती है। तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। 2001 में रिलीज हुई ये फिल्म 1893 की कहानी है। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान तथा डायरेक्शन आशुतोष गोवारकर ने किया है। फिल्म का पहला कट 7.5 घंटे का था। फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज गांव में की गई है, जो शूट के 6 महीने बाद तबाह हो गया था। नंबर 5, गाइड। गाता रहे मेरा दिल। देवानंद और वहीदा रहमान की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म भारत की क्लासिकल फिल्मों में से एक है। आरके नारायण के नोवेल पर आधारित विजय आनंद की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म को आज भी शानदार एक्टिंग और SD बर्मन के जानदार म्यूजिक के लिए याद किया जाता है। फिल्म की कहानी राजू के इर्द गिर्द घूमती है, जो टूरिस्ट को ऐतिहासिक जगहों पर घुमाकर अपनी कमाई करता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी और उसकी युवा पत्नी रोजी, जो कि वैश्या की बेटी है, के साथ शहर में आता है। वो शहर के बाहर गुफाओं में कुछ शोध करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे 4 बड़े फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म मिले। देवानंद की पहली कलर फिल्म, जो 2 वर्जन में रिलीज हुई थी, इंग्लिश वर्जन के डायरेक्टर टेड डैनियल अवस्की और हिंदी फिल्म के डायरेक्टर देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद थे। तेरे मेरे सपने अब मोहब्बत की झूठी कहां। नंबर 4, मुगले आजम। इस फिल्म के बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही होगा। ये फिल्म हिंदी सिनेमा जगत की सफलतम फिल्मों में से एक है। इसे के आसिफ के शानदार निर्देशन, भव्य सेटों और बेहतरीन संगीतों के लिए आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म को बनने में 16 साल लगे। जब बॉलीवुड की फिल्में सिर्फ 10 लाख में बन जाया करती थी, तब इस फिल्म का सिर्फ एक गाना, प्यार किया तो डरना क्या, को 1 करोड़ में बनाया गया था। जब प्यार किया तो डरना क्या। लता मंगेशकर ने गाना बाथरूम में गाया था। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ रिश्ते में दिलीप कुमार की बहन अख्तर आसिफ के पति थे। युद्ध के सीक्वेंस के लिए 2000 ऊंट, 4000 घोड़े और 8000 सैनिक इंडियन आर्मी से लिए गए थे। फिल्म में इस्तेमाल हुए कृष्ण भगवान की मूर्ति असली सोने की थी। फिल्म को 3 बार हिंदी, तमिल और इंग्लिश में शूट किया गया था, पर इसका तमिल वर्जन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। और 2004 में की गई रिसर्च में पाया गया कि इसकी कोई भी इंग्लिश कॉपीज अब अवेलेबल नहीं है। इसी दिन के लिए हमने मांगा था तुम्हें। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी। नंबर 3, आनंद। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की जबरदस्त केमिस्ट्री और गुलजार के लिखे हुए डायलॉग्स आपको मजबूर कर देंगे कि आप इस फिल्म को बार बार देखें। एक डॉक्टर और एक मरीज का क्या रिश्ता होता है, इस फिल्म से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। इस फिल्म की रेटिंग IMDb पर किसी भी अन्य हिंदी फिल्म से ज्यादा है। 6 फिल्मफेयर और बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है और आनंद महसूस करवाती है। कैसी है पहेली। फिल्म का गाना जिंदगी कैसी है पहेली पहले बैकग्राउंड स्कोर के लिए चुना गया था, लेकिन राजेश खन्ना ने गाना सुनने के बाद सोचा कि इतना अच्छा गाना बैकग्राउंड स्कोर के लिए यूज करना गाने को वेस्ट करना होगा। ऋषिकेश मुखर्जी आनंद के रोल के लिए राज कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय राज कपूर बीमारी से जूझ रहे थे और खुद को स्क्रीन पर मरता हुआ नहीं देख सकते थे।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए। नंबर टू, मदर इंडिया। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली औरत राधा, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने और बुरे जमींदार से बचने की मेहनत करती है और अंत में भले के लिए अपने गुंडे बेटे को खुद मार देती है, वो आजादी के बाद के भारत को सबके सामने रखती है। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। ये फिल्म अब तक बनी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में गिनी जाती है। ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली भारत की पहली फिल्म बनी, लेकिन एक वोट की वजह से जीत ना सकी। इसके अलावा दुनिया भर में इसे कई अवार्ड्स मिले। इसे स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन भाषा में भी डब किया गया और दुनिया भर में इसने बेहतरीन कमाई की। नरगिस और सुनील दत्त की एक्टिंग, महबूब खान के डायरेक्शन और नौशाद के म्यूजिक से सजी ये फिल्म एक मास्टरपीस है और इसे दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट फिल्मों में से एक माना गया है। नंबर वन बताने से पहले कुछ फिल्में जो हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना सकी। अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, बुक्स। जिस दिन समय ने आंखें खोली, जो देश है तेरा स्वाद, जब तक तेरे पर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। नंबर वन, शोले। अगर आप हिंदुस्तानी हैं और अभी तक आपने शोले नहीं देखी तो आप गधे नंबर एक हैं। क्या एक्शन, क्या डायलॉग, क्या कहानी। इस फिल्म के लिए एक ही शब्द है मेरे पास, वाह। फिल्म का हर किरदार अपने आप में एक जीवित किरदार लगता है। कुछ बहुत अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है, ऐसा ही इस फिल्म के साथ हुआ। शुरू में ना इसे क्रिटिक्स ने पसंद किया और ना ही जनता ने, लेकिन जब ये फिल्म चली तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वो फिल्म है जिसे हर जनरेशन के लोग पसंद करते हैं। ये वो फिल्म है जिसके डायलॉग बच्चे बच्चे को याद है। ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों का असल तो है नहीं। मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में 5 साल से भी ज्यादा चली ये फिल्म आज भी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। 2005 में इसे पिछले 50 सालों की बेस्ट फिल्म के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म के किरदार जय और वीरू असल जिंदगी में फिल्म के लेखक सलीम खान के कॉलेज फ्रेंड्स थे। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में कोई भी मेकअप यूज नहीं किया है। वीरू का टंकी पर चढ़ने वाला सीन असल जिंदगी से लिया गया है। अमिताभ बच्चन का किरदार पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद धर्मेंद्र की सिफारिश पर अमिताभ बच्चन को यह किरदार मिला। फिल्म की शूटिंग बेंगलोर के पास हुई और इसका क्लाइमैक्स 2 बार शूट किया गया। एक में ठाकुर गब्बर को मार देता है और दूसरे में गब्बर को पुलिस पकड़कर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें, तो प्लीज़